नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज बीसीए फ्रॉम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एंड बीसीए फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। आप लोगों के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी को लेके, और ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के माइंड में कि हमें अगर मौका मिलता है आईपीयू में जाने का और डीएसयू में जाने का तो हमें किस ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए, हमें किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और जो भी स्टूडेंट अभी बीसीए वाले देख रहे हैं इस स्टूडेंट को, साथ में अगर आप बीबीए के भी लिए अप्लाई कर रहे हो तो आने वाली वीडियो में आपको बीबीए का भी कंपैरिजन पूरा करिकुलम वाइज करके दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी दावा कर रही है कि पूरा का पूरा हम स्किल बेस्ड कोर्स करिकुलम लेके आ रहे हैं, एडवांस करिकुलम होने वाला है, और वैसा नहीं होगा कुछ भी, जो पहले बन चुका है सब कुछ एडवांस है, और आप लोगों को काफ़ी सारे नए ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे अब कंपेयर करने जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी का करिकुलम और डीएसयू का करिकुलम सेमेस्टर वाइज आप लोगों को क्या सर्व किया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, और फिर आप अपनी चॉइस बना सकते हैं। ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि आपको कहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ से ज़्यादा पढ़ने को मिल रही है। सो अभी हम सिर्फ करिकुलम देखेंगे और लास्ट में हम इसका वर्डिक्ट करेंगे फाइनल कि भाई आप लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में है डीएसयू का करिकुलम और राइट साइड में है आईपी यूनिवर्सिटी का। मैं आप दोनों ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको बात करने जा रहा हूँ सेमेस्टर वन के बारे में, दैट इज मैथमेटिक्स, कैलकुलस, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स वन यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे इन्होंने ये सब नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, और सी इन्होंने भी दिया हुआ है अपना फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये भी आपको आईपी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है एज ए सब्जेक्ट। फिजिक्स की रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं पता क्या होती है बीसीए के अंदर, लेकिन हाँ इन्होंने यहाँ पे आपको दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिया है प्रैक्टिकल्स, दैट इज सी प्रोग्रामिंग का और आईटी लैब का। साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी आपको एक सब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि आपके स्किल्स के ऊपर वर्क करता है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा है कम्युनिकेशन स्किल्स का, बट हाँ इन्होंने ये बोला कि हम स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे। तो इंग्लिश वन यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, बाकी इसके बाद ईवीएस वन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम सेमेस्टर टू की तरफ मूव करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट सेमेस्टर टू में आप देखेंगे कि आपको मिल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि एक तरीके से मैथमेटिक्स टू में आ जाएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स एंड अदर्स, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चरिंग यूजिंग सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस एंड इंग्लिश टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों ही सेमेस्टर्स के अंदर। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे अभी ये लोग सी प्लस प्लस पे नहीं आए हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में आपको सी प्लस प्लस कराना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल्स यहाँ पे होगा डेटा स्ट्रक्चर लैब्स और डीबीएमएस के ऊपर, और साइबर एथिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि इनके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर मोर ओवर जो इनका सेकंड सेमेस्टर काम कर रहा है, डेटाबेस मतलब डीबीएमएस के ऊपर। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर की तरफ मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन एथिक्स, जो कि ये आपको बीबीए के कोर्स के अंदर भी पढ़ने को मिल जाएगा, एक कॉमन सा सब्जेक्ट होता है। और इसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस इनका अब थर्ड सेमेस्टर के अंदर आ गया है, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जैसे कि टाइपिंग, स्टेनोग्राफी और हॉस्पिटैलिटी। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि टाइपिंग और स्टेनोग्राफी है ये एक अच्छा एड ऑन है यहाँ पे पढ़ने के लिए आप लोगों के पास, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप खुद से नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स यहाँ पे भी आपको दिए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स आपका थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने नहीं रखा है। इसके बाद है थर्ड सेमेस्टर के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अभी आपने देखा होगा सेकंड सेमेस्टर में डीएसयू के यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता, तो सेम वही चीज़ है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम कवर होता है, फ्रंट एंड डिजाइन टूल VB.NET, इसके बाद विजुअल बेसिक्स जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया थर्ड सेमेस्टर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे अभी इन्होंने थर्ड सेमेस्टर में नहीं दिया। सेमेस्टर में जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूजिंग पाइथन आर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजीज एंड ई कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जावा और सी प्रोग्रामिंग,
सेमिनार, रिसर्च फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट्स इनके सेमेस्टर फोर के अंदर। और आपको साथ में दिख रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे भी आपको वेब टेक्नोलॉजीज मिल रहा है पढ़ने के लिए। ई कॉमर्स इनका जो है फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल लैब यहाँ पे है जावा के लिए और वेब टेक्नोलॉजी का लिए इन्होंने प्रैक्टिकल्स दिया हुआ है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स इनका भी इंक्लूडेड है। तो मैं आप एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप यहाँ पे ना शॉक हो जाओगे एक चीज़ को जान के कि जो आईपी यूनिवर्सिटी का करिकुलम है ना, ये इनका 2011 के आसपास डिज़ाइन करा हुआ है। और दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं कि हमारा कंप्लीट करिकुलम जो है अपडेट होकर आया है और आज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया गया है। तो अभी तक मेरे को ऐसा फिलहाल कुछ भी करिकुलम के अंदर नहीं दिखा है, आपको दिख रहा है तो आप ज़रूर बताना। और इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आईपी यूनिवर्सिटी का आज से 9 साल पहले का जो सिलेबस है वैसा ही कुछ सिलेबस अभी भी मेरे को डीएसयू के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड बीसीए, आगे हम बीबीए के कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे, अगर वहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा और आप अपनी ओपिनियन ज़रूर रखना और ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना। इसके बाद सेमेस्टर 5 में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने दिया हुआ है, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। और इनका जो इन्होंने बोला था कि भाई हम बीसीए कोर्स के अंदर मशीन लर्निंग पर ज़्यादा फोकस कराएंगे स्टूडेंट को, इंट्रोड्यूसिंग टू क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं। इलेक्टिव यहाँ पे आपको दिया गया है, इलेक्टिव क्या होता है जिसमें आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज करके पढ़ते हैं, जैसे कि एडवांस जावा, एडवांस सी और एज्योर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग, मतलब एक तरीके से डेटा साइंस आप एज अ कोर ले सकते हैं इलेक्टिव के तौर पे, आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। सेमेस्टर 5th की बात करें अगर हम आईपी यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ई कॉमर्स जो कि अभी आपको डीएसयू में भी देखने को मिला था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, माइक्रो प्रोसेसर, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ आपको समर ट्रेनिंग, माइनर प्रोजेक्ट। तो आप कंपैरिजन करोगे तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे ओवरलोडेड हैं पढ़ने के लिए। एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आपको यहाँ पे नेटवर्किंग भी आ गया कवर हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कवर हो गया। अब आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ई कॉमर्स, अभी ये ऊपर नीचे दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है कि इनका सेमेस्टर 2 का जो सब्जेक्ट है हो सकता है कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 में पढ़ने को मिल जाए, सेमेस्टर 3 का जो सब्जेक्ट है आईपी यूनिवर्सिटी का हो सकता है कि इनके वो सेमेस्टर 4 के अंदर पढ़ने को मिल जाए, लेकिन सारे ही सब्जेक्ट्स आईपी यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड हैं। सेमेस्टर 6 की तरफ नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको सेमेस्टर 6 में डीएसयू में मिल रहा है और यहाँ पे सेम ये आपको आईपी यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगा। डेटा साइंस यूजिंग आर और डेटा वेयर हाउस माइनिंग यहाँ पे भी आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए। साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ आईपी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ही आ चुका था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आईओटी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लाउड और प्रोग्रामिंग इन आर, ये इन्होंने बोला है कि हम ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशन के तौर पे ऑप्ट करने के लिए सेमेस्टर 6 के अंदर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आईओटी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लाउड मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट, आपको अगर आपका खुद का काम करना है उसमें डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, मेजर प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम आईपी यूनिवर्सिटी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है मल्टीमीडिया एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो ये आपको यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो है ब्लॉकचेन वाले और आईओटी एप्लीकेशन वाले। तो आप देख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ने का, तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट इनमें चूज करना है तो ये सब चीज़ें आपको आईपी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगी। बाकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको पता ही है, जो हम अपना थंबप्रिंट वगैरह करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, और नेटवर्किंग सिक्योरिटी, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, ये सब डीएसयू में भी है और आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को जो मेजर इनका डिफरेंस देखने को मिला है सिर्फ इन सब्जेक्ट्स का देखने को मिला है, इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी मेरे को डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिला है करिकुलम के अंदर। और आप देख सकते हो जो मैंने राइट साइड में जो यहाँ पे करिकुलम डिस्कस करा है ये आज से 9-10 साल पुराना करिकुलम है और वही करिकुलम ऑलमोस्ट 99% इनका मैच करता है डीएसयू के साथ। तो सिर्फ नाम बदल के रख देने से कोर्स अलग नहीं हो जाता, आपको बाकी यहाँ पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको फैकल्टीज़ कैसे एडवांस और बना रही है, बाकी करिकुलम तो आपको पढ़ना तो है ही यही क्योंकि एग्जाम तो आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स के होंगे। इसके अलावा वो अपनी तरफ से आपको एज ए एड ऑन कुछ सिखा दे तो वो अलग बात है, बाकी 99% पूरा का पूरा मैच कर रहा है करिकुलम। अब आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बीबीए का भी सिलेबस कंपेरिजन करके दिखाऊंगा, आईपी यूनिवर्सिटी का और डीएसयू का, बाकी उनके जो स्पेशलाइजेशन है उनका भी मैं आपको कंपेरिजन करके देने वाला हूँ कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।